please give an energetic and warm welcome to the one and only Harsh Beriwal. दिल दिल बाहर आ जाएगा मेरा। बैठिए बैठिए। बहुत सारे लोग होते हैं अपना YouTube चैनल बना देते हैं टाइम पास के लिए कि बना दिया एक डाल के देख लेते हैं कुछ होगा नहीं होगा। या फिर आपने सोच करके किया था कि मेरे को तो फोड़ना है यानी मेरे को कुछ नहीं मैंने मजे मजे में ही किया था और मुझे ये था कि ना मेरे को एक्टिंग करनी थी कि भाई अब एक्टिंग का क्या है ना कि कुछ प्लेटफॉर्म का तो पता ही नहीं था हमारे पास था ही नहीं तो मैंने ये सोच के बैठा था कि मैं ना 12th खत्म हो जाए मेरी मैं चला जाऊंगा मुंबई और लाइनों में लग के स्ट्रगल करूंगा वहाँ पे कोई ना कोई ऑडिशन में कहीं ना कहीं चांस मिल ही जाएगा। तो गए आप मुंबई? नहीं 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 वो मिला ही नहीं ना मेरे को मौका उससे पहले ही फेमस हो गया मैं। फिर उसके बाद में क्या हुआ सबको पता है मुंबई ने इनको बुलाया राइट। फिर मुंबई ने मूवी जब मेरे को कॉल भी आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 के लिए तो मुझे लगा कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा है। मैंने कहा अभी तो मैंने स्टार्ट किया है 2-3 साल पहले और मुझे अभी से मूवी का कॉल क्या मैं डिजर्व नहीं करता मेरे को लगा ये पर्सनली। मैंने कहा यार अभी इतनी जल्दी हो गया मेरे को मिल गया तो उसके बाद मैंने ना उनका पूरा मेल भी चेक करा। मैंने कहा अच्छा धर्मा से ही मिला है पूरा मेल। जब तक मेरे सामने टाइगर श्रॉफ नहीं आया ना मेरे को लगा कोई पागल बना रहा है मेरा। मैंने कहा मैं मुंबई जाऊंगा 10-12 दिन में से काम वाम कराएंगे मेरा फोन छीन लेंगे और मेरे को भेज देंगे उधर जा। तो मेरे को तो यही लग रहा था जब तक मेरे सामने पूरी प्रॉपर टाइगर श्रॉफ नहीं। मैंने कहा अच्छा मैं मूवी कर रहा हूँ तब मेरे को यकीन हुआ। आपके दो वीडियोस के बीच में 3-4 महीने तक का गैप होता है कई कई बार राइट। और आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ कंटेंट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं मतलब आधा घंटे से कई कई बार 50 मिनट तक भी वीडियो चली जाती है। 1.5 घंटे वाली आने वाली अगली 1.5 घंटे वाली वीडियो मतलब ऑलमोस्ट पूरी फिल्म ही हो गई एक तरीके से। तो इसके पीछे कोई रीजन मतलब क्यों आप छोटा छोटा कॉन्टेंट नहीं बना रहे यानी 10-10 मिनट का और जल्दी जल्दी नहीं बना रहे और इतना लंबा लंबा कॉन्टेंट इतने टाइम बाद बना रहे हैं उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन ये है कि छोटा सोच ही नहीं पा रहा हूं मैं मतलब अरे मोटिवेट नहीं कर रहा मेरा नहीं माइंड चल रहा छोटे में मतलब अच्छा? आप आधे घंटे के अंदर क्या स्टोरी दिखा दोगे वो मुश्किल होगा ना। आपको पूरा प्रॉपर अगर स्टोरी दिखानी है अगर एक करेक्टर का उसका बैकग्राउंड दिखाना है उसका आगे का क्या है करेक्टर आर्क दिखाना है तो आपको 1-1.5 घंटा चाहिए ही होगा। तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ उसमें ताली मत मारो तो मेरा माइंड आपके दिमाग में चल रहा है पूरा फिल्म मैंने ऑडियंस को बिल्ड ही वैसे कर दिया अपनी। अब मैं छोटी वीडियो बनाता हूँ ना मुझे गाली बकते हैं कि भाई तू छोटी क्यों बना रहा है बड़ी बना। कुछ वो भी बकते हैं कि बड़ी क्यों बना रहा है भाई नहीं देख पाते बट जो ज्यादा लोग हैं वो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई छोटी मत बनाओ अब हमें बड़ी ही देखनी है। जो फर्स्ट टाइम मैं आपका वीडियो देखा था जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था जो पबजी विद फैमिली था सर जो आपका जो उसमें रोल है सर केडी का सर उस सर केडी के एक्टिंग में सर दो डायलॉग बोल दीजिए सर। लव यू ऐसा पेट फेंक के मारूं आदमी आ जाएगा एक में। थैंक यू सो मच सर। ये आपकी पहली वीडियो थी जो वायरल हुई थी? नहीं ये एक करेक्टर था जो वायरल हो गया था। तो वो कहाँ से आया वो कैरेक्टर कहाँ से आया मतलब आपके माइंड वो करेक्ट मैं वो जो करेक्टर था ना वो ना बाय चांस ही बन गया मतलब मेरे को क्या है ना कि समझ नहीं आता था कि कैसे क्या करेक्टर बना। मैंने बाप का करेक्टर करना था मेरे को तो मैंने विग पहनी और वो पहन ली मूछे लगा ली। मैंने कहा नॉर्मल नहीं बोलता थोड़ी सी आवाज ऐसी खट्टी सी आवाज करके बोलता हूँ थोड़ा लड़की बाज करेक्टर होगा वो विद बाय वीडियो के बाद वो धीरे धीरे उसका करेक्टर बनता रहा। अब इन द एंड मेरा प्रॉपर एक प्रिपेयर्ड करेक्टर है कि वो क्या करेक्टर है वो आपके ऑलमोस्ट हर वीडियो में आता है या नहीं कुछ कुछ में आता है।